फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? आइयो, बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। तो भाई साहब और अब्बू जा रहे हैं उमरा करने, तो ये देखिए इनको छोड़ने आए थे यहाँ। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देखू मदीना, मदीने वाले से मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना। न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहे ना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहे ना। पर ये सैफ है और अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल अता फरमाए, उन्हें सेहतमंद अता फरमाए, वहाँ पर अच्छे अच्छे से उम्रा करें और जल्दी घर वापस आ जाएं। ये एयरपोर्ट आ चुके थे, मुंबई एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से निकले थे हम लोग सबसे मिल के अब्बू और भाई साहब, फिर मुंबई गए। मुंबई फिर ये एयरपोर्ट है, वहाँ पर इन लोग की चेकिंग वगैरह जो भी जैसे हो रही हैं, उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस होती है और उसके बाद फ़्लाइट रहेगी इन लोग की शाम को। और उसमें भी फ़्लाइट 2 घंटे लेट हो गई थी, 7 बजे कुछ थी, फिर 9 बजे हो गई थी। अब्बू को देख सकते हैं आप लोग, ये जा रहा है अपना चेक वगैरह पासपोर्ट करवाने। तो इस तरीके से इनकी पूरी तैयारियां करे, इतने अच्छे से इनका सब कुछ किए, मतलब घर में स्वागत जो होता है उस टाइप से, और बहुत अच्छे से खुशी खुशी जा रहा है। अल्लाह पाक पूरी मुरादें। अब्बू को बहुत ज़्यादा दिली तमन्ना थी कि मैं उम्रा करने जाऊं, अल्लाह के पास जाऊं, तो बस वही अब्बू की दुआएं कबूल हुई और अब्बू जा रहे थे। हम सबको भी, हम सब भाई बहनों को बहुत ज़्यादा खुशी थी। और ये पूरा मुंबई का एयरपोर्ट है, ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ का पूरा ये एयरपोर्ट है मुंबई का। तो इन लोग को बस हम लोग यानी अब अच्छा निकल चुके थे एक दिन पहले, और फिर हम लोग सब बहुत याद कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हम सबके दिल में इतनी ज़्यादा खुशी थी कि इतने अच्छे से इन लोग यहाँ मतलब जाएं और सारी प्रोसेस करें और सब कुछ इतने अच्छे से, और सेहत मैन ही इनकी सेहत बनी रहे, अच्छे से रहें वहाँ पर, सारे जो भी अल्लाह की प्रोसेस होती है वो पूरी हो। और ये देखिए ये प्लेन की है जो कि मक्का शरीफ आने वाला है, बस पहुँचने वाले थे, लैंडिंग होने वाली थी, तो उस समय की नाइट की, जो कि नाइट में मतलब सुबह सुबह 5 बजे जैसे पहुँचे हैं। और ये भाई साहब जो कि एयरप्लेन के अंदर हैं, उसके बाद मक्का शरीफ पहुँच चुके थे, मुबारक जगह पहुँच चुके थे, और ये बस से वहाँ पर, वहाँ से अपनी होटल जा रहे थे बस से। और होटल भी बहुत अच्छी है, सभी चीज़ें वहाँ की आप लोग को मैं आगे दिखाती रहूँगी, बनी रहूँगी। तो ये बस यहाँ से, और यहाँ की रोड वगैरह आप लोग देखिए कितनी क्लीन और कितनी अच्छी, बड़ी बड़ी और बिल्डिंगें आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगी, इतनी बड़ी बड़ी हैं कि एकदम ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी सिटी आ गए हम, बहुत अच्छा। और उन लोग ने भी बताया जब पहुंच गए कि वहां पर पहुंचने के बाद उनको एकदम दिल में इतना सुकून, इतनी खुशी, इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग एक जन्नत जगह पर आ गए हैं। और वहाँ पहुँच के हर किसी को बहुत सुकून फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, वो सारे गम भूल जाते हैं और सीधे अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं। अल्लाह को मतलब हर किसी को अल्लाह ये नेमत अता फरमाए कि सभी लोग उम्रा करने हो सके तो ज़रूर जाएं। तो इस तरीके से, और ये देखिए ये अंदर होटल का खाना है, खाने में कोई कमी नहीं थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ था। तो ये जो है जैतून के बीज जैसे बताए थे, तो ये भाई साहब ने वीडियो बनाए थे, यहाँ पर सब कुछ है, अमूल है, और उसके बाद ये खाना वगैरह ब्रेड मिलेंगी यहाँ पर, मैं बता रही हूँ ओट्स वगैरह, जिसको ओट्स खाना है, ये देखिए ओट्स है, बस बॉयल पानी में डालना और खाना। ये खाने का टाइम बना हुआ है कि कब क्या कैसा कहाँ मिलेगा।
और उसके बाद ये होटल के बाहर का व्यू है। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने जाने के लिए से बाहर खड़े होते हैं बस, मतलब मस्जिद जाने के लिए से, ये देखिए ये बस आती है इसमें बैठ के और फिर मस्जिद वगैरह जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो ये बस आई है। और यहाँ बाहर का एरिया भी, जहाँ होटल है वहाँ पर बाहर का एरिया भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सा दिख रहा था। और ये देखिए होटल के अंदर इंटर करने की ये सीढ़ी है, यहाँ से मतलब इंटर करके और अंदर पूरा होटल बना हुआ है। और होटल के अंदर दुकानें वगैरह भी, आपको नॉर्मली कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी होटल, बहुत अच्छी है। मदीना मुनव्वरा की तरफ जंगे बदर पेश आई, जंगे उहद पेश आई, ताइफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, तरह तरह की तकलीफें पेश आई, और हजरत बिलाल को इसी मक्का की सरजमीन पर तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता, सीने पे भारी पत्थर रख दिए जाते कि कलमे का इनकार करो। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम आज हम तक पहुंचा है, इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। बिन मांगे अल्लाह ने ये हमें प्यारा मजहब बताओ, और अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं मैं कल कयामत के दिन सिर्फ इस्लाम ही को कबूल करूंगा। इस्लाम के अलावा अगर कोई शख्स दूसरा मजहब लेके आएगा वो काबिल कबूल नहीं होगा, चाहे वो जितना भी अच्छा हो दुनिया में। और दूसरी बड़ी शहादत हमारे लिए ये है कि अल्लाह ने हमारा इंतखाब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से किया, ये भी बहुत बड़ी शहादत की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मत सबसे आखिर में आई है और सबसे पहले जन्नत में जाएगी, और इस उम्मत के लिए साबका नबियों ने दुआएं मांगी जिसमें हजरत ईसा अलैहि सलाम की दुआ कबूल हुई। वो कुर्बे कयामत दोबारा आएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर। और तीसरी बड़ी शहादत प्यारे भाइयों हमारे लिए ये है कि अल्लाह ने हमारा इंतखाब इस प्यारे शहर मक्का मुकरमा के लिए किया। इस मक्का शहर की अल्लाह ने कुरान में कसमें उठाई, इसी जगह फरमाया वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल वलदिल अमीन, तीन की कसम और जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, वहादल वलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर मक्का मुकरमा की कसम। किसी जगह पे अल्लाह ने इसको बुलपुरा कहा और किसी जगह पे मक्का कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ के रहने वालों के लिए दुआएं मांगी, या अल्लाह इस शहर को अमन का शहर बना और यहाँ के रहने वालों को फलों की रोजी अता फरमा। फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन दखलहू कान आमिना, जो कोई इस मक्का में दाखिल हो गया बस वो अमन पा गया, अब अल्लाह के जिम्मे है उसका अमन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मस्जिद हराम की एक नमाज 1,00,000 के बराबर सवाब, ऐसा अजर सवाब पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं मिलेगा। आप एक नेकी करेंगे इंशाल्लाह उसको 1,00,000 में बदला जाएगा। तो ये मक्का की हुरमत अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की, और आप लोगों का इंतखाब अल्लाह ने किया, इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। वल मुख्तसर आज हमारा फर्स्ट उमरा है, उमरे के हवाले से करेंगे ताकि उमरे के अरकान अच्छे तरीके से अदा हो। आज दो फर्ज लोग अदा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मीकात से एहराम की नीयत की एहराम में, ये पहला फरीजा है, यानी दो अनसिली चादरों में मीकात से नीयत करना, ये पहला फर्ज है। अब दूसरा फर्ज है काबे का तवाफ करना, अगर किसी से तवाफ नहीं होता है फर्ज छूट जाएगा उसका, ठीक है ना जी। अभी हम चलेंगे, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, जाएंगे आपको जो दुआएं होंगी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और जैसे ही हम अंदर हरम में दाखिल होंगे अपनी निगाहें नीची कर लेंगे, उस टाइम वहाँ रुक के काबा के सामने दुआ करेंगे, फरमाया उस टाइम जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाती है। तो के हजरे अस्वद का एक कोना है, हजरे अस्वद काबतुल्लाह का एक कोना है हजरे अस्वद, जिसके अंदर एक जन्नती पत्थर नसब है, उसको कहते हैं हजरे अस्वद। वहां हम खड़े होके जो दुआएं उस दौरान होंगी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मार्क हजरात अपना राइट वाला कंधा नंगा कर लेंगे, फिर हम का हजरे अस्वद के सामने चले जाएंगे और वहां से सलाम करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाह अलहम्द कह के चक्कर शुरू कर देंगे। हजरे अस्वद से शुरू करेंगे, हजरे अस्वद की पर पहला राउंड हमारा मुकम्मल होगा, और अगर हम तवाफ किसी दूसरे कोने से शुरू करेंगे तो तवाफ नहीं होगा, जब तवाफ नहीं होगा तो उमरा ही नहीं होगा, तवाफ फर्ज है, ठीक है जी। तवाफ करना फर्ज है, उस दौरान जो दुआएं होंगी मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा। रुकने जमाने से हजरे अस्वद तक रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन्नार, ठीक है। उससे पहले जो भी दुआएं होंगी सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह काबा के 7 चक्कर पूरे करने, कितने 7, ज्यादा भी नहीं लगाने और कम तो लगाने ही नहीं है, 7 तस्बीह होती है, मतलब
शुमार करता रहे। इस दौरान अगर किसी का वजू टूट जाता है, याद रहे तवाफ के लिए जो वजू है ये शर्त है, बगैर वजू के तवाफ नहीं होगा। अगर किसी के पहले तीन चक्रों में वजू टूट जाता है वो वहीं से छोड़ के चला जाए और जाके वजू बना रहे, ठीक है, वहाँ इर्द गिर्द धर्म के पानी लगा हुआ है जमजम का, वजू बना रहे और आपका नए सिरे से शुरू करें। अगर तीन चक्कर हो चुके हैं, चौथे पांचवे छठे में टूटता है सातवें में, वो छोड़ के चला जाए और आकर वहीं से शुरू करें जहां से उसने छोड़ा था। तो वुजू शर्त है तवाफ के लिए, बगैर वुजू के तवाफ नहीं होगा। इस तरह हम सात चक्कर लगाएंगे काबतुल्लाह के, अगर आप वहां मिस हो जाए, अकेले अलग हो जाए, अपने सात चक्कर मुकम्मल करें, क्योंकि ये फर्ज है, ठीक है जी। जब फर्ज अदा नहीं होगा तो उम्रा ही नहीं होगा। सात चक्रों के बाद फिर हम चले जाएंगे मकाम इब्राहिम के पीछे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को जाए नमाज बना लो, वहां हम दो रकअतें अदा करेंगे। ये तवाफ की नमाज होगी, लाजमी नमाज है, वाजिब तवाफ कहते हैं। पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ेंगे और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ेंगे, फिर वहां दुआ करेंगे, जमजम का पानी पिएंगे। ये हमारा दूसरा फर्ज कम्प्लीट हो जाएगा, पहला इहराम वाला था, दूसरा काबे का तवाफ था, ये दो फर्ज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास दो वाजिब है, सफा मरवा की सही करना और अपना सर मंडवाना, ये वाजिब है। अगर किसी से वाजिब छूट जाता है तो उसके ऊपर दम आ जाता है। मिसाल के तौर पे किसी ने सफा मरवा के नहीं की सही, वापस आ गया, उसने इहराम उतार दिया, सिला हुआ लिबास पहन लिया, तो उसके ऊपर दम आ जाएगा। दम ये कि एक बकरा उसको मक्का के अंदर सेवा करना पड़ेगा, फिर मक्का में मक्का के फकीरों में तकसीम करेगा, तब जाकर उसका वो वाजिब कंप्लीट होगा। उससे पहले हमने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। सफा पहाड़ी पे जाएंगे, काबे की तरफ उड़ के दुआ करेंगे, इन्ना सफा वल मरवा तमिन शाइरिल्लाह, और दुआएं पढ़ के मरवा की तरफ रवाना हो जाएंगे। सफा से स्टार्ट करेंगे, मरवा पे हमारा एक चक्कर कंप्लीट होगा, ठीक है ना जी। ऐसा बैठे सफा से शुरू होगा, मरवा पे एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, मरवा से फिर यू टर्न लेके सफा पे आएंगे तो दो चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। बाद दो गलती में डबल चक्कर लगाते हैं, वो सोचते हैं हमने सफा से शुरू किया था तो सफा ही पर आएंगे, एक होगा नहीं, एक साइड से सफा से शुरू करेंगे मरवा पे एक, फिर मरवा से यू टर्न लेके सफा पे आएंगे दो, मरवा पे बोले भाई तीन, सफा पे चार, मरवा पे सफा पे और आखिरी चक्कर कहाँ हो रहा है मुकम्मल, मरवा पे बोले भाई साहब ये गलती नहीं करनी, वहां इंसान भूल जाता है, भीड़ है वहां पे, बंदा अलग भी हो जाता है। ये चीजें याद रहनी चाहिए क्योंकि इन चीजों के छोड़ने पे हमारे ऊपर दम आ जाएगा। आज 600-700 रियाल तक बकरा मिलता है, आप टैक्सी पे जाएंगे, काटने वाले को अलग पैसे देंगे, गवर्नमेंट का अलग फीस है, ठीक है। उससे पहले ये गलती हमने नहीं करनी, सफा मरवा की सही करना वाजिब है, उसके साथ चक्कर हर हाल में लगाने हैं, अगर आप अलग भी हो जाए, ठीक है, कोई नहीं घूमेगा, होटल के कार्ड सबके पास है। तो सात चक्करों के बाद फिर आप मरवा पे बैठेंगे, दुआ करेंगे, ये हमारा पहला वाजिब कंप्लीट हो जाएगा, सफा मरवा की सही ये करना वाजिब है, ये पहला वाजिब कंप्लीट हो जाएगा। अब तक एहराम ना उतारे जब तक अपना सर ना मंडवा रहे, लेडीज अपने बाल उंगली के तीसरे हिस्से के बराबर के बाल इधर आ जाए, होटल में कैंची होती है सबके पास, पकड़ के यहाँ काट ले, ठीक है। और वो औरत दूसरी औरत के बाल काटे जिसके पहले अपने कटे हुए हो। एहराम में बाल काटना, खुशबू लगाना, नाखन तराशना, ये चीजें मना है। या वो शोहर अपनी बीवी के बाल काट सकता है जिसका पहले अपना सर मुंडा हुआ हो, क्योंकि अगर आपका सर मुंडा हुआ नहीं होगा, आप दूसरे के बाल काटेंगे, आपके ऊपर दम आ जाएगा, ठीक है, ये चीजें भी ध्यान दें। तो ये सर मंडवाना वाजिब है, अगर किसी से ये वाजिब छूट जाता है, मिसाल के तौर पे किसी ने एहराम उतार दिया, सिला हुआ लिबास पहन लिया, बाल नहीं मंडवाए, उसके ऊपर भी वही दम आ जाएंगे। इससे पहले कि हम एहराम में पहले हलक कराए उसके बाद एहराम उतारें, ठीक हो गया। लेडीज अपने बाल उगली के तीसरे हिस्से के बराबर के बाल लेडीज अपने बाल खुद भी पकड़ के काट सकती है, ठीक है, जितने बाल ले हाथ से उसको इतना करके काट दे। इधर होटल में आ जाए, वहां औरतें कैंचियां लेके खड़ी होती हैं, वहां काट के नीचे हरम में फेंक देते हैं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। एक तो गैर मुहर्रम लोग भी गुजरते हैं, उनके सामने बाल खोलना, ये भी सही अमल नहीं होगा। तो ये सर मंडवाना वाजिब है,
जब भी आप उमरा करेंगे आपके सर पे बाल हैं या नहीं है आपको उस तरह फिरवाना पड़ेगा, ये वाजिब है, वाजिब छोड़ने पर दम आ जाता है। इंशाल्लाह मिलके चलेंगे क्योंकि पीछे खड़ा है, साथ चलेंगे, अच्छे तरीके से उमरा भी होगा, दुआ भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना जी, पूरे तरीके से उमरा करेंगे। अच्छे अच्छे अगर आपकी तरफ से बढ़ते रहे।